दोस्तों, हाथी इस दुनिया का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल एनिमल है। वर्तमान में इस दुनिया में उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है, लेकिन जब हम अतीत में झांकते हैं तब हमें हाथी के मुकाबले का एक जानवर नजर आता है और वो है मैमथ। हाथी के बारे में तो आप लोग काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन मैमथ से आप अनजान ही होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैमथ के बारे में जानते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आज मैमथ भी इस दुनिया में होता और हाथी से उसकी अगर लड़ाई होती तो इस महायुद्ध का विजेता कौन होता। चलिए आज आपको ये भी पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और साथ में बगल में दिख रही घंटी भी दबा दीजिए और प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, मैमथ की सबसे पहली प्रजाति लगभग 5 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आई थी। इसी समय काल में हाथी भी इस दुनिया में आया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि आज के समय का हाथी प्राचीन मैमथ का ही आधुनिक रूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही जानवर एक ही फैमिली से आते हैं और दोनों का ही विकास एक ही समय काल में हुआ है। दोनों क्लोज कजिन हैं। मैमथ की पहली प्रजाति का विकास अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका में विकसित होने के बाद वो वहाँ से निकलने लगे। अफ्रीका से निकलकर ये नॉर्थ की तरफ बढ़े और पूरे यूरेशिया में फैल गए। समय और जगह के अनुसार इनमें शारीरिक बदलाव भी होते रहे और ये कई अलग अलग प्रजातियों में बंट गए। लगभग 6 साल पहले ये यूरेशिया से आगे बढ़ते हुए अमेरिका की ओर चले गए। मैमथ की अंतिम प्रजाति वुली मैमथ लगभग 4 साल पहले ईस्ट एशिया में विकसित हुई। 3700 से 4000 साल पहले तक वुली मैमथ रूस के रेंगल आइलैंड पर मौजूद थे। इसी आइलैंड पर रहते हुए मैमथ का अस्तित्व इस धरती से खत्म हो गया। यदि हम अफ्रीकन बुश हाथी के आकार की बात करें तो इसकी औसत लंबाई 3.2 मीटर तक और वजन 6 टन तक होता है। हाथी अपने सूंड की मदद से भारी चीजों को भी आसानी से उठा सकता है। एक हाथी अपने वजन का 3% भार अपने सूंड से उठा सकता है। अगर आप 10 टन वजन वाले किसी हाथी को देख रहे हैं तो वो अपनी सूंड से 300 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। मैमथ की सबसे बड़ी प्रजाति कोलंबियन मैमथ थी। ये नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। इनकी लंबाई अफ्रीकन बश हाथी से 1 मीटर ज्यादा यानी 4 मीटर की थी। वहीं इनका वजन 8 टन तक हुआ करता था। कोलंबियन मैमथ के अलावा दूसरे मैमथ आकार के मामले में एशियन हाथी के जैसे ही थे। इनकी लंबाई 2.5 मीटर से 3 मीटर तक, वहीं इनका वजन 5 टन तक हुआ करता था। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते देखते अब आप ये भी बता दीजिए कि आप हमारी वीडियो किस राज्य या किस जिले से या फिर किस गांव से देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाथी और मैमथ में कौन कौन से डिफरेंसेस थे? भले ही दोनों जानवर एक ही फैमिली से हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कई अंतर हैं। आमतौर पर हाथी गर्म स्थानों पर ही रहते हैं, वहीं मैमथ बेहद ठंड भरी जगहों पर रहते थे। जिस जगह पर रहते थे वहाँ का तापमान 0 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक होता था। मैमथ के कान काफी छोटे हुआ करते थे, जबकि हाथी के कान काफी बड़े होते हैं। इन दोनों में दूसरा बड़ा अंतर दांतों का है। मैमथ के दांत काफी लंबे और घुमावदार हुआ करते थे, जिसकी लंबाई 16 फीट तक होती थी। वहीं हाथी के दांत की लंबाई 11 फीट तक होती है। हाथी के शरीर पर बाल बेहद कम या फिर ना के बराबर होते हैं। वहीं मैमथ का पूरा शरीर लंबे बालों से ढका होता था। इनके बालों की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होती थी। इन दोनों के मुकाबले में जीत किसकी होगी? हाथी और मैमथ के बीच होने वाले मुकाबले का विजेता कौन होगा? इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों के बीच की लड़ाई बराबर की होगी। ताकत के मामले में दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। मैमथ की अलग अलग प्रजातियां और अफ्रीकन हाथी के बीच होने वाली लड़ाई को देखें तो यदि कोलंबियन मैमथ या स्टेप मैमथ से हाथी की भिड़ंत होती है तो यहाँ पर मैमथ हाथी पर भारी पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मैमथ हाथी से बड़े थे और उनके दांत भी काफी लंबे हुआ करते थे। वहीं अगर वुली मैमथ से हाथी की लड़ाई हुई तो यहाँ पर विजेता हाथी साबित होगा। वैसे हाथी और मैमथ के बीच की लड़ाई में आप किस पर दाव लगाना चाहेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।